भाई ये हमारा हॉस्टल 2007 जवाहर नवोदय विद्यालय बुटाना सोनीपत। बड़ा संघर्ष करना पड़ता था खाने के लिए, प्लेट गुम हो जाती थी हमारी, एक दूसरे की प्लेट उठा कर लेकर जाया करते खाने के लिए, ठीक है, उंगली पे घुमा के ऐसे प्लेट घुमाते थे। उस टाइम दिखाऊंगा मैं आपको कैसे प्लेट होती थी हमारे हॉस्टल। ये थोड़ी प्लेट चेंज हो गई है, हमारे टाइम पे राउंड प्लेट होती थी, प्लेट को ऐसे उंगली पे घुमाते थे हॉस्टल के दौरान। So you can see, ये डबलिंग मारने के लिए फेमस थी, प्लेट डबलिंग वाली, एक बार खा के बताओ। ये आ गई, घुमा के दिखा भाई, घुमा के दिखा, ऐसे घुमाते थे भाई। कलर ये भी, ये हाउसवाइफ उदयगिरी, ठीक है, हमारे टाइम पे चार हाउस वाले थे भाई, ग्रीन, हां नीलगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, शिवालिक और एक और कौन सा होता था, उदयगिरी, ये चार हाउस होते थे, सबके अपने कलर होते थे। और ये प्लेट पे ऐसे कलर करते हैं भाई, किसी प्लेट ना गुम हो जाए, ये थी हमारी हॉस्टल की लाइफ, ठीक है। आजकल तो हॉस्टलों की लाइफ बहुत अपग्रेड हो चुकी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ये देख लो ऐसा। अरे वाह, एलईडी लाइट हो गई है, अपग्रेड हो गया है, देख लो आप, ऐसे कपड़े सुखाया करते भाई, ये है हमारे, देखो रस्सी बांध के ऐसे कपड़े हम सुखाते थे हॉस्टल। ये भी मेरे ख्याल से हो गया है, 50 साल पुरानी बिल्डिंग अभी है, 50 साल पुरानी बिल्डिंग अभी, बस रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है इसका, ठीक है, ऐसा था, करा दिया मैंने दौरा आपका, ठीक है। तो ये देख लो बाहर, ये मेरे ख्याल से ये हॉस्टल होते, ये मतलब टॉयलेट होते थे, यहीं पे नहाते थे, यहीं पे हमारी टॉयलेट थी, यहीं से तैयार होते थे, सामने ग्राउंड होता था, वी यूज टू गो फॉर दी फिजिकल ट्रेनिंग इन द मॉर्निंग, करेक्ट। तो ये हमारे हॉस्टल थे, हमारी यादें हैं, आज एल्यूमनाई मीट में आए हुए हम अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, करेक्ट। तो बाहर जाएंगे आपको दिखाएंगे यहाँ की बिल्डिंगें कैसी हैं, बाहर से देख सकते हैं आप, हाउ वंडरफुल इज दिस। ये हमारे कुछ बैचमेट आए हुए हैं यहाँ पे अभी, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाला सभी ने, बट वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि वी आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई एम श्योर सबकी अब अपनी मेमोरीज है, आपको भी टाइम निकालना चाहिए, यू मस्ट कम, ठीक है, जरूर। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है, जब हम 2005-06 में थे ना यहाँ पे, तो यहाँ नहाते थे, ये अपने सारे भाई कोर्समेट हैं, देख लियो, ये बिल्डिंग होती थी हमारी, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग होती थी भाई, यहाँ टीचर रहते थे हमारे स्कूल में, बुटाना जनता है, थाली में झगड़े होते थे भाई, 20 दिन जो अब बाथरूम दिखाता मैं आपको, कैसे बाथरूम होते थे हमारे टाइम पे। सी दिस वाज द स्टेट ऑफ आवर स्कूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो हमारी स्कूलिंग एजुकेशन ऐसी बिल्डिंग्स में हुई है भाई, देख लो, ठीक है, ऐसे हॉस्टल होते थे। हाँ भाई, क्या हाल है लड़के, ऐसे बेडों पे सोते थे भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे स्कूल में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ। कैसा है स्कूल की मतलब पढ़ाई कैसी हो रही है? हाँ, बढ़िया। स्टाफ कैसा है? ठीक है, बढ़िया है स्टाफ। हाँ। मजा आ रहा है? हाँ, ओके, कौन सी क्लास के हो आप? 10th में। 10th में हो? हाँ। ओके, तो 10th में कितने परसेंटेज लेके आओगे? अभी तो कुछ नहीं पता, डेट टारगेट तो वैसे 95 का है। अरे गुड यार, वेल डन, 95% ले आओ, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। 95% ले आना, नंबर मैंने दे दिया है, फोन करना। स्कूल में आप लोगों को क्या लगता है रिक्वायरमेंट किस चीज सबसे प्रायोरिटी, ये मैंडेटरी होनी चाहिए इसको, तो ये नहीं। ये संदीप वर्मा है भाई, हमारा बहुत डिसेंट क्लास फेलो होता था, हियर ही होम है, और भाई लोग यूरोप से भी आए हुए हैं, यू कैन सी, ठीक है, मैन विद द लॉन्ग बियर्ड एंड द यू नो लेदर शूज। भाई यहाँ पे हॉस्टल के दौरान जब हम अपनी 11th और 12th कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम कपड़े धोने के लिए आते थे, वी यूज्ड टू कम फॉर यू नो वॉशिंग आवर क्लोथ्स। अभी तो मतलब काफी मॉडर्न चीजें हो गई हैं, वॉशिंग मशीन आ गई है, हमारे टाइम पे खुद ही अपने हाथों से अपने कपड़े धोते थे, और बहुत मतलब स्ट्रगलिंग टाइम था, स्ट्रगलिंग हॉस्टल में तो अभी भी होता है, आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। ये देखो आप, ऐसा होता था, यही चीजें हैं जिन्होंने लाइफ में मतलब दे हैव टॉट लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू अस, ठीक है। ये बच्चे आ जाओ भाई, सही से पूछो, अपने कपड़े खुद धोते हो सारे अभी भी यहाँ पे? प्राइवेट प्राइवेट धुलवाते हो, धोबी से धुलवाते? नहीं, प्राइवेट धोबी लगवाना, गवर्नमेंट कपड़े जो है स्कूल में पहनने के लिए अलाउड है, वो तो है। ओके, बहुत बढ़िया, लेकिन अपने कपड़े खुद धोया करो, क्योंकि आपको जो प्राइवेट है तो खुद धोने पड़े, खुद धोते हो ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अगली बार इससे अरे ड्यूटी पे हूँ, करना पड़ा दिस इज द बॉयज डाइनिंग हॉल, खाना खाते थे भैया हमारी मैस होती थी, यू कैन सी, है ना, एंड राइट में ये लड़कियों का डाइनिंग हॉल होता था, गर्ल्स यूज टू कम एंड हैव फूड।
टेल यू सी, यही इन टेबलों में बैठ के हम खाना खाते थे यहाँ पे। ये सारे वही यार दोस्त हैं जो उस टाइम प्लस वन प्लस टू में साथ में बैठते थे। ये सेम मैस है हमारा, यू कैन सी, ठीक है। और इतने टाइम बाद आज खाना खाएंगे दोबारा, फील लेने के लिए आए यहाँ पे। वही ये खाना है आज, दिस इज द फूड वी आर हैविंग।